गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई मुस्लिम असलम. दिस इज़ लेक्चर ऑफ डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम. टुडे वी विल बी स्टडी अबाउट बाइनोमियल हीप. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टी देखी थी. आज हम बात करेंगे बाइनोमियल हीप के केसेस की. ठीक है, बाइनोमियल हीप होता क्या है? ठीक है, तो आपने पिछले जो लेक्चर देखा था उसमें देखा था कि डिग्री देखी थी. अगर कोई सिंगल नोड है वो आपकी बी ज़ीरो होती है, दो सिंगल नोड ऐड होती हैं बी ज़ीरो तो आपकी बी वन बनता है. ऐसी बी वन दो टू वी वन आपके ऐड होते हैं तो आपको बी टू मिलता है. तो ऐसे ही आपके बी थ्री टू ऐड होते हैं बी फोर मिलता है. तो आज हम पूरा इसकी केसेस देखेंगे, केसेस के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले देखिए, अ बाइनोमियल हीप इज़ अ सेट ऑफ बाइनोमियल ट्री. ठीक है, बाइनोमियल हीप जो होता है वो क्या होता है? सेट होता है किसका? ट्रीज़ का. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की क्या है? पहली प्रॉपर्टी देखिए, अब बाइनोमियल ट्री ओवे मिन हीप प्रॉपर्टी. अगर आप जब भी बाइनोमियल हीप का ट्री बनाते हो तो उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे कि उसको मिनिमम ऑर्डर में लिखोगे. सबसे मिन वैल्यू मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में आप लिखोगे चीज़ों को. ठीक है, तो दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट बोल रहा है, एट मोस्ट वन बाइनोमियल ट्री हुज रूट हैज़ डिग्री के. जो आपकी बाइनोमियल ट्री है उसकी जो डिग्री होगी, ऐसे एक रो में बहुत सारी ट्रीज लगी होंगी तो उस रो की जो पहली डिग्री होगा उसका रूट जो होगा वो डिग्री उसकी क्या होगी? के होगी. ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं रूटलेस भी बोल सकते हैं. रूटलेस बोलेंगे तो देख लीजिए आप आगे इसको कैसे होती है आपकी ट्री. इस टाइप का आपका ट्री बना हुआ होता है. ठीक है, जो आपका स्टार्टिंग स्टार्ट करते हो उसे बोलते हैं हेड. ठीक है, आपका ये जो 10 0 है तो आपको पता है ये किसकी डिग्री है? बी ज़ीरो की. बी ज़ीरो है आपका. ये दूसरा वाला आपका क्या है? बी वन टू का है ये. ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो कि किसका है ये. लास्ट आपका किसका है? बी थ्री का है. ऐसे आप बी टू मिलके बी थ्री बना, ऐसे वी वन. तो ये डिग्री से आप चीज़ों को मर्ज करते हो. आपको दो ट्री दे रखे होते हैं, ये तो आपने, मैंने सिंगल ट्री में आपको सिर्फ बताया है कि कैसे आपके जुड़े होते हैं एक लाइन में, एक ट्री में. ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिन. आपका जो होता है मिन ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब टू वैल्यूज़ पहले आए. तो हम इस सब चीज़ों को चेक करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है. तो अभी हम इस पर जब काम करेंगे, इसके दो हीप लेंगे, उन दोनों को मर्ज करके करना पड़ता है. ठीक है, वो आपका बाइनोमियल हीप कहलाता है. तो इससे पहले इसके लिए केसेस देख लेते हैं, केसेस क्या क्या आए हैं आपके. ठीक है, तो पहला देखिए एक्स. जो आपका ये एक्स है, यानी कि जो आपका ये 10 है, जब भी ट्री में आप ऐसे ट्री बनाओगे तो इस 10 को एक्स दोगे. ठीक है, दूसरा आपका जो है उसको दोगे आप, जो ये आपका एक्स है, जो दूसरा आएगा उसको दोगे नेक्स्ट एक्स. अगर आपका ट्री में 10 है वो एक्स है और ये हो जाएगा नेक्स्ट एक्स. और ये जो तीसरी वाली रूट नोड है उसको बोलोगे शिबलिंग नेक्स्ट एक्स. और ये जो अगर आपका ये बढ़ जाता है, यानी कि 2 आपका एक्स हो जाता है और 10 फिर आपका क्या हो जाता है? प्रीवियस एक्स. तो मैंने वही चीज़ें बताई हैं कि अगर आपके ट्री में बहुत सारे रूट्स हैं, रूट लिस्ट हैं, तो जो पहला वाला होगा वो एक्स होगा. अगर वो आगे की तरफ से एक्स दे रहा है तो वो आपका जो पिछला होगा वो प्रीवियस एक्स बन जाएगा. ठीक है, और आपका तीसरा होता है नेक्स्ट एक्स. अब हम देख लेते हैं इसके केसेस. तो केसेस देखिए, केसेस ऑफ बाइनोमियल ट्री केस वन में, ये मैंने ट्री पूरी नहीं बनाई है, इसके लिए केसेस दिए हैं, बस सिर्फ मैंने केसेस समझाए हैं. इसमें आपका हेड स्टार्ट होता है एच से, और अगर ये आपका प्रीवियस एक्स है और आपका ये एक्स है और ये आपका नेक्स्ट एक्स है और ये शिवलिंग नेक्स्ट एक्स है, तब क्या होगा आपकी कंडीशन? आपकी जो डिग्री एक्स है वो नॉट इक्वल टू होगी डिग्री नेक्स्ट एक्स के और इज इक्वल टू होगी डिग्री शिवलिंग ऑफ नेक्स्ट एक्स के. ठीक है, तो ये उस केस में होगा जब आपकी ये ट्री में ऐसी वैल्यूज़ दे रखी हो, ये प्रीवियस एक्स हो गया हो, ये एक्स हो गया हो और ये नेक्स्ट एक्स और ये आपका शिवलिंग ऑफ नेक्स्ट एक्स. और केस टू क्या कहता है? केस टू अगर आपका ये जो ट्री है ये खाली हो कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये अब प्रीवियस एक्स हो गया, ये एक्स हो गया और ये नेक्स्ट एक्स हो गया, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा? डिग्री एक्स जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगी डिग्री नेक्स्ट एक्स के. इसमें तीनों वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हो जाएंगी. ठीक है, डिग्री ऑफ सिबलिंग ये भी आपका इक्वल हो जाएगा डिग्री नेक्स्ट एक्स के. ठीक है, तो ये आपका सेकंड केस हो गया. और केस थर्ड आता है. केस थर्ड में सबसे पहले आप क्या करते हो, आपको ये ट्री दे रखी है. ठीक है, जैसे केस वन में दे रखी थी हेड प्रीवियस एक्स एक्स नेक्स्ट एक्स सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट एक्स. तो इसमें क्या होगा कि आपको अगर ये कंडीशन दे रखी है, अगर कोई कंडीशन आती है, कोई ट्री ऐसा आता है जिसमें आपका क्या होगा कि एक्स जो है ये प्रीवियस एक्स है, एक्स के बाद भी अगर आपका जब दो ट्री को मर्ज करोगे दूसरा जो रूट होगा एक्स, हमें दोनों को ऐड करना है. अगर आपका जो की है वो बड़ा है, मतलब जो पहले नंबर पे जो की एक्स है, जो आपका एक्स है मेन, वो आपका बड़ा है,
अगर आपका वो बड़ा है तो वो जैसे मैंने लिखा नीचे की ऑफ एक्स और की ऑफ नेक्स्ट एक्स, इन दोनों में आप चेक करोगे तो जो एक्स है अगर ये आपका छोटा है यानी कि की नेक्स्ट ऑफ एक्स बड़ा है, तब क्या होगा कि जो एक्स है मैंने एक्स को देखिए डबल गोला करके मार्क कर दिया है और जो ये नेक्स्ट एक्स है वो यहाँ आके जुड़ रहा है, ठीक है, वो मैंने दिखा दिया कि आपको यहाँ आके जुड़ेगा, लेफ्ट साइड में जाके जुड़ेगा, तो ये आपका फर्स्ट केस होगा। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि आपका जो ये अगर आपका एक्स और नेक्स्ट एक्स, नेक्स्ट एक्स आपका छोटा है तो वो आपका क्या करेगा, जब वो छोटा है तो वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि हमें मिन ही चेक करनी है, तो एक्स उसकी जगह आ जाएगा और जो नीचे आपका ये जाके जुड़ जाएगा। देखिए मैंने नीचे आपको ये जाके जोड़ दिया है, तो ये इस टाइप का ये आपको क्लियर कब होगा, तब हमारा क्या होगा की एक्स क्या होगा बड़ा होगा और की नेक्स्ट एक्स छोटा होगा। अब जो की एक्स है वो नीचे आ गया है, जो की ऑफ एक्स है वो नीचे आ गया क्योंकि वो बड़ा है, बड़ी वैल्यू होगी वो लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, छोटी वैल्यू क्योंकि हमें मिन हीप से चेक करनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करनी है वैल्यूज़ को, ठीक है, तो आपका की एक्स नीचे आ जाएगा, तब क्या होगा की नेक्स्ट एक्स छोटा हो जाएगा, ये इक्वल टू की वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, तो तब आपकी ये जो कंडीशन कहलाएगी वो कहलाएगी डिग्री एक्स इज इक्वल टू डिग्री नेक्स्ट एक्स नॉट इक्वल टू डिग्री सिबलिंग नेक्स्ट एक्स, ये तब आपका नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तब हम उसमें चेक कर रहे हैं सिर्फ डिग्री ऑफ एक्स और डिग्री ऑफ नेक्स्ट एक्स, ठीक है, ये आपका नॉट इक्वल टू हो जाएगा, फिर आपकी कंडीशन स्टॉप हो जाएगी निल, निल का मतलब जो लास्ट में एरो दिखा रहा है तो ये यहाँ पे आप निल भी दे सकते हो, ये कंडीशन निल क्योंकि हेड से स्टार्ट हुआ, लास्ट का जो एरो है वहाँ पे आप निल दे सकते हो वैल्यूज़, ये आपका जो स्टार्टिंग मैंने बताया है ये ट्री में ये आपका हेड दे रखा है, थ्री के बाद भी आप एरो दिखा के वहाँ पे निल वैल्यूज़ दे सकते हो, अभी कोई वैल्यूज़ नहीं आई हैं, ठीक है, तो दो ट्री को आप जब आप इस पर क्वेश्चन देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये तो मैंने अभी आपको केसेस बताए हैं कि केसेस क्या होते हैं, इसके सिर्फ थ्री केसेस होते हैं, ठीक है, पहला केस आपका क्या बोलता है, पहला केस आपका होता है कि अगर प्रीवियस एक्स दे रखा है आपकी रूट लिस्ट में तब आपका जो डिग्री एक्स और डिग्री नेक्स्ट एक्स नॉट इक्वल टू वैल्यू देगा, ठीक है। केस टू क्या कहता है कि प्रीवियस एक्स आगे की तरफ बढ़ गया है रूट में, फिर वो एक्स हो गया और सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट एक्स हट चुका है, तब यानी कि वो आगे बढ़ाए वो निल की जगह पे आ चुका है, तो आपका क्या होगा डिग्री ऑफ एक्स ये तीनों वैल्यूज़ आपकी इक्वल हो जाएंगी उस केस में। केस थ्री में अगर आपके जो वैल्यूज़ को आपको कंसीडर करके ऐड करना है ट्री में, लेफ़्ट साइड या बड़ी वैल्यूज़ होगी, अगर आपकी एक्स बड़ी है तो वो क्या होगी वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगी, अगर आपकी एक्स छोटी है तो वो ऊपर ही रहेगी, उसके लेफ़्ट साइड में नेक्स्ट एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये आप जब क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ज़्यादा आपको क्लियर होगा। और मैं आपको दिखा दूँ, ये जैसे ट्री है, मान लिया ये आपका 10 है और इसके बगल में होता 9, यानी कि एक सिंगल नोड 9 की भी ऐड होती, दो मर्ज करते आप उसको, जब 9 ऐड होता तो 9 क्या है आपका, ये 10x है और 9 क्या हो जाता फिर नेक्स्ट एक्स, तो नेक्स्ट एक्स जो होता वो क्या होता, ये 9 है तो 9 आपका वहीं रहता और ये इसके लेफ़्ट साइड में जुड़ जाता, 10 जो होता वो लेफ़्ट साइड में आ जाता 9 के, ठीक है, तब आपकी ये वाली कंडीशन होती। देखिए 10 और 9 में ये वाली कंडीशन आती आपकी जो है एक्स बड़ा है, की एक्स बड़ा है क्योंकि की एक्स 10 है और की ऑफ नेक्स्ट एक्स 9 है, तो ये बड़ा, ये की एक्स जो है वो बड़ा रहेगा तो एक्स आपका क्या रहेगा वो नीचे की तरफ ऐड हो जाएगा और ऊपर ये आपका जो मैंने इसलिए बताया कि डॉट डॉट मैंने ब्लैक सर्कल डार्क कर दिया है, ये आपका की ऑफ एक्स है, तो ये जो 10 है वो नीचे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। जब ये आप इस पर न्यूमेरिकल करोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो था 10, अगर मान लिया यहाँ पे 11 होता, 10 के बाद आपको एक सिंगल नोड 11 की दे रखी होती, तब क्या होता, तब आपका 11 क्या है 10 से बड़ा है, अब आपका जो 10 है वो एक्स है, 11 क्या है आपका नेक्स्ट एक्स, तो आपका जो 11 वैल्यूज़ होती वो कहाँ जाती, वो आपकी क्या थी कि 11 है तो आपकी वो 11 होती वो नीचे आ जाती, 10 के नीचे लग जाती, तब क्या होता कि एक्स आपका छोटा है, तो ये वाली कंडीशन होती की ऑफ एक्स आपका छोटा है की ऑफ नेक्स्ट एक्स से, तब आपका जो वो वैल्यूज़ होती जो 11 वैल्यूज़ होती वो आपकी नीचे आ जाती, तो देखिए 11 आ जाती और एक्स आपका वहीं रहता, ठीक है। तो ये आपकी एक ट्री मैंने समझाई आपको, ये इस ट्री से मैंने समझाया, लेकिन आप जब क्वेश्चन करोगे इस क्वेश्चन में मैं पूरी तरीके से एक दो ट्री ले रखूँगी, उस दो ट्री से आपको मर्ज करना बताऊँगी, कैसे आपकी जो दूसरी ट्री में से वैल्यूज़ आपको यूनियन करना पड़ता है वहाँ पे, उसको यूनियन ट्री बोलते हैं, तो कल जब मैं बताऊँगी तो उससे आपको ज़्यादा ये केसेस क्लियर होंगे, अभी भी आपको थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ आप उसको कॉपी पे लिखते जाइए और उसको याद करने की कोशिश करिए कि मैंने क्या क्या बता दिया है आपको, जब मैं इसका एग्जाम्पल बताऊँगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसकी एक एल्गोरिथम भी आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तभी आपको समझ आ जाएगा।
जाएगा कि कैसे ये बायनोमियल हीप, क्योंकि बायनोमियल हीप थोड़ा ईजी नहीं है, टफ़ है, लेकिन आप जिसको समझ में आ रहा है वीडियो लेक्चर से वो समझ लेगा, जिसको नहीं आ रहा है वो कॉलेज आएगा तब मैं उसको अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। तो लेकिन अब मैं जो वीडियो लेक्चर भेज रही हूँ उसे समझने की कोशिश करिए, घर पे बैठ के पढ़ाई करिए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देख लेंगे, दो बाइनरी हीप, दो जो बाइनोमियल हीप होंगे उनको कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ये जो थ्री केसेस मैंने बताए वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।